हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स, दिस इज़ रूपाली। तो आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस का सिक्स्थ लेसन, जो कि मैंने इम्पॉर्टेंट नोट्स निकाला है एनसीईआरटी समरी से। तो ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट समरी निकाली है थर्ड टू फिफ्थ क्लास की ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक्स में से। तो आपको पूरी बुक्स गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। बट मैंने पूरी बुक में से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं और हम पहले 5 लेसन्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने 5 लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देखिए, आपको कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सीटेट पेपर 1 के अंदर। तो ये है हमारा सीटेट स्पेशल, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हम इसमें शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी ईवीएस से रिलेटेड। तो आइए फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। जो डॉग्स होते हैं वो अपना रोड में, मतलब अपना कुछ एरिया, स्पेसिफिक एरिया बना लेते हैं कि उन्हें यहीं रहना है, तो वो मार्क कर लेते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है उन्हें? दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड पॉटी। तो इसमें बात की गई है कि जब जो कुत्ते हैं वो अपना एरिया मार्क आउट कर लेते हैं, मतलब कि उन्हें पहचान लेते हैं कि यही उनका एरिया है। अब उनसे इन्हें फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी दूसरा कुत्ता या फिर कोई भी दूसरा डॉग उनके एरिया में आता है तो वो उनके साथ मेक आउट कर लेते हैं, वो उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बिठाते हैं। और वो कैसे पता चलता है कि कोई दूसरा कुत्ता उनके एरिया में आया है? बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड पॉटी से वो उनकी स्मेल कर लेते हैं और उनको वो पहचान लेते हैं, देन वो स्टार्ट करते हैं उनका अपना मेक आउट। नेक्स्ट पॉइंट इज सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज ह्यूमन बींग्स। जो ये कुछ बर्ड्स हैं, इनका जो पेयर है काइट्स का, ईगल का और वल्चर का, ये एक ह्यूमन बींग जितना देख सकता है उनसे 4 गुना देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सीटेट में आ चुका है, तो उसे ध्यान से आप याद रखिएगा। ये तीनों का पेयर है काइट्स, ईगल एंड वल्चर। These birds can see things from a distance of 8 meters. ये जो birds हैं वो 8 meter के distance से भी चीज़ें देख सकती हैं, जो कि human being है वो वही चीज़ें कितने distance पे देखता है? 2 meter. तो अभी मैंने इसमें ऊपर बताया कि वो 4 गुना देखती हैं, तो 2 का 4 गुना क्या होगा? 8 meter. तो ये जो birds हैं वो 8 meter के distance से चीज़ों को देख लेती हैं और कैच कर लेती हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान होता है, वो कितने में देखता है? सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर में। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जितने कि एक इंसान या ह्यूमन बीइंग जितने कलर्स देख सकता है उतने कलर्स कौन नहीं देख सकता? जानवर उतने कलर्स नहीं देख सकते, एनिमल्स उतने कलर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम। ये माना जाता है कि जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, जो कि डे टाइम मतलब दिन के टाइम जागते हैं, कैन सी सम कलर्स, वो कुछ कलर्स को देख सकते हैं। बट अगर हम दूसरी और बात करें तो दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट। अब जो कहाँ पर जागता है? रात में जागते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा उल्लू जो होता है, आउल कहाँ पर कब जागता है? रात को जागता है और दिन में सोता है। तो दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। वो किस कौन से कलर्स में देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स वो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। स्नेक्स आर डेफ। जो सांप होते हैं वो बहरे होते हैं, वो मतलब सुन नहीं सकते। एज दे ओनली फील, पर वो क्या फील करते हैं? वाइब्रेशंस, तरंगे जो होती हैं वो उनको महसूस करते हैं ग्राउंड पर। अब आप ये सोच रहे होंगे जो सांप होते हैं, अब उनके सामने जब हम वो सांप बजाते हैं, बीन बजाते हैं, तो वो सुनते कैसे हैं? वो उसकी तरफ, वो इशारे की तरफ वो नाचने लगते हैं या मूवमेंट करने लगते हैं, तो वो कैसे सुन सकते हैं, तो कैसे करते हैं? बट अभी हमने बात करी कि जो
सांप होते हैं वो बहरे होते हैं, वो सुन नहीं सकते। तो वो कैसे सुनते हैं उसको? जो उस बीन में से वाइब्रेशंस आती हैं वो उनको फील करते हैं और देन अपनी मूवमेंट करते हैं। तो स्नेक्स क्या करते हैं? वाइब्रेशंस को फील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन देयर ईदर साइड ऑफ द हेड। जो ज़्यादातर पंछियाँ जो होती हैं, बर्ड्स जो होती हैं, वो उनकी जो आँखें होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? उनके हेड, जो उनका सर होता है, उनके साइड में। एंड देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। जब उनकी ईदर साइड पर जो हेड सर के ऊपर होती हैं आँखें उनकी, तो वो एक ही टाइम पर दो चीज़ों को फोकस कर सकती हैं, देख सकती हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं आपको, और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आज का लेसन आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हमें बता सकते हैं। तो सपोर्ट कीजिए गाइस, एस्पायरिंग टीचर्स बाय रूपाली जैन। तो अपना डाउट्स आप दे सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने इससे पहले के सेशन नहीं देखे हैं ईवीएस के ऊपर, तो मैंने सारे सेशंस बनाए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट समरी मैंने निकाली हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।